शिमला में विधानसभा प्रश्नकाल के दौरान तबादलों का मामला जोर शोर से गूंजा। विपक्ष ने प्रदेश सरकार को घेरने का प्रयास किया और विपक्ष द्वारा इस संबंध में पूछे गए आधा दर्जन सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सदन को सूचित किया कि प्रदेश में जनप्रतिनिधियों की ऑडियो लेटर में कर्मचारियों और अधिकारियों पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी है और अब इन लोगों की सिफारिशों पर तबादले हो रहे हैं। शिमला में विधानसभा प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों के अर्थशासकीय पत्रों के आधार पर विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों के आधार 8,884 स्थानांतरण किए गए, जबकि 3,837 तबादले प्रशासनिक आधार पर किए गए। विपक्ष पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया है कि स्थानांतरण कोई नई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2008 में 8 महीने में ही 27,434 स्थानांतरण किए गए थे। ये हिमाचल प्रदेश में लाखों की संख्या में और बहुत ही ट्रांसफर होती है रेगुलर, जो भी जिनकी होती है एनुअल ट्रांसफर, बहुत ही ट्रांसफर होती है ऑन रिक्वेस्ट जी, खुद कर्मचारी जो है रिक्वेस्ट करते हैं, और बहुत सी ट्रांसफर जो हैं, कुछ ऐसी ट्रांसफर भी हैं जो हमारे जो जनप्रतिनिधि है कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, ये नहीं कि भाजपा के लोग ट्रांसफर नहीं करते हैं, जी काम नहीं करते हैं, हर पार्टी के लोग आके किसी न किसी की बात करते हैं, और हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे जो पंचायती राज के लोग हैं, उन सबको अपनी बात को रख सकते हैं। पीछे हिमाचल हाईकोर्ट ने ये कहा था कि जो MLA है और जो जनप्रतिनिधि है, पंचायती राज के लोग हैं जी, वो ट्रांसफर के बारे में नहीं कह सकते, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया है। अगर पंचायत का आदमी, अगर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का आदमी जी, और जो जनता से जुड़े लोग हैं, पंचायत समिति के जिला परिषद के लोग, वो नहीं शिकायत रखेंगे या अपनी बात नहीं कहेंगे, तो फिर ये प्रजातंत्र का है? या जहाँ हमारे विधायक लोगों का एक खास दर्जा है, वहाँ दूसरे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका भी दर्जा है। वहीं भाजपा के रविंद्र रवि ने इस सवाल के प्रश्न पर सरकार को घेरते हुए कहा है कि सरकार के सवा दो वर्ष के कार्यकाल में 46,000 कर्मचारियों के तबादले हो चुके हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए रविंद्र रवि ने तबादले करने का आरोप लगाया। मैं हैरान हूं कि 46,301 ट्रांसफर्स डेढ़ साल में इस सरकार के द्वारा बदला बदली के द्वारा एक उद्योग बन गया है, ट्रांसफर का उद्योग यहाँ पर स्थापित कर दिया सरकार ने। ये तथ्य सारे सामने आए हैं, हम तो मांग करेंगे कि इसकी जांच हो उच्च स्तरीय, कि किन के DUs के ऊपर, किन की सिफारिशों के ऊपर मुख्यमंत्री महोदय ने ये सारी की सारी ट्रांसफर की, ऐसी मांग हमारी रही। वहीं पशु बलि पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक के बारे में गुलाब सिंह ठाकुर और रविंद्र रवि के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है और इस मामले को पार्टी बनाने के चलते प्रदेश सरकार अपना पक्ष अदालत में रखेगी ताकि इस पर शीघ्र फैसला हो सके। पशु बलि सिर्फ हिंदुओं में ही है जी, पशु बलि जो है मुसलमानों में भी है, वहाँ भी बकरीद होती है, तो कोई कानून ऐसा नहीं हो सकता जो एक एक संप्रदाय के ऊपर लगे और औरों पर ना लगे। जी जी जी, इसके बारे में इस बात के ऊपर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। सड़क निर्माण से संबंधित DPR के बारे में इंद्र सिंह द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बताया है कि सरकाघाट में 9 सड़कों का निर्माण भूमि न मिलने से लंबित पड़ा है और सरकार सभी औपचारिकताएं पूरी कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने अन्य सड़कों के निर्माणाधीन की भी जानकारी दी। कुल्लू के विधायक महेश्वर सिंह के मंदिर के रखरखाव के बारे में पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि विभिन्न मंदिरों के रखरखाव के लिए 3,17,00,000 की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि भूमि सुधार कानून के लागू होने से मंदिरों में पूजा अर्चना सुनिश्चित बनाने के लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपए का कोष बनाया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन होने से यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, लेकिन सरकार ने इसके लिए 5 करोड़ रुपए की रिवॉल्विंग सुनिश्चित की है। ब्यूरो रिपोर्ट, KHNL शिमला।